देखिए, आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसको रूट से बाहर निकालने में, क्यूब के रूट से उसको बाहर निकालने में। तो आप मात्र इस वीडियो को देखिए अंत तक, मात्र आपको 5 सेकेंड में आपको रूट से बाहर निकल जाएगा और क्यूब रूट से भी संख्या बाहर निकल जाएगा कैसे निकलता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। और आपको पता भी है स्टडी पॉइंट में, स्टडी लोगो में आप देख लीजिएगा स्टडी पॉइंट विथ मैथ मैजिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ मैं आपको मैथ तो पढ़ाऊँगा लेकिन आपको मैजिक के साथ पढ़ाऊँगा, यानी ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा। तो आज मैं फिर आपके सामने एक ट्रिक लाया हूँ। आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट, कोई सी संख्या को रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। मात्र इस वीडियो को देखिए अंत तक, आपको मात्र 5 सेकेंड में आप किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकाल लीजिएगा स्क्वायर में। आपको क्यूब में भी बताऊंगा कि क्यूब में किसी भी संख्या को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं क्यूब में, अब वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए पहले स्क्वायर वाला में देखते हैं। स्क्वायर वाला में देखिए, आपको जोड़ स्क्वायर, किसी के पावर 2 होता है तब स्क्वायर होता है, पावर 2 होता है तब 2 का जोड़ा लगाइए, 29 हो गया। आपको 29 में 9 है लास्ट में, 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 49 लास्ट में 9 आता है ना। आपको 10 के अंदर ही देखना है, 10 के अंदर 2 ही संख्या है जिसके लास्ट के स्क्वायर में क्या होता है, 9 आता है, 3 और 7 में, 3 और 7 दोनों लिख लीजिए। अभी दोनों में से कौन आएगा, चलिए अब बताते दोनों में से कौन आएगा, दोनों में से कौन आएगा। आपको दोनों से अब 7 देखना है, अब ये क्या है, 7 है। 7 देखिए, 7 से पहले कोई ऐसा संख्या देखिए जिसका स्क्वायर आता हो, 2 का स्क्वायर आपको क्या होता है, 4। 4 ऐसा संख्या है, 4 जिसका जो रूट से बाहर निकल जाता है, मतलब जिसका स्क्वायर होता है। देखिए 4, 2 का स्क्वायर आपको क्या आता है, 4 आता है, मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो 4 है ना आपको, तो 2 का स्क्वायर है तो आप 2 लिख दीजिए, आँख मून के 2 लिख दिए। आपको जोड़ा लगाने के बाद ये तो बता दिए, इसमें देखिए 7 से पहले 4 ही संख्या है जिसका स्क्वायर आता है, तो 2 का स्क्वायर आपको क्या आता है, 4 आता है, तो 2 लिख दीजिए। अब बड़ा और छोटा कैसे पहचानिएगा, आपको 2 लिखे हैं ना, जो लिखे हैं उससे एक आगे वाला गुना कर दीजिए, 2 के आगे क्या होता है 3, तो 2 तिया कितना हुआ आपको, 6 हुआ। अब 6 देखिए, ये 7 जो है आपको 6 इससे बड़ा है कि नहीं, 6 से बड़ा है कि नहीं, 7 आपको क्या है, 6 से बड़ा है 7, तो ये बड़ा वाला ले लेंगे। अगर इससे छोटा रहता, अगर इससे छोटा रहता ये, तो आप क्या छोटा वाला लेते हैं, तो 6 से बड़ा 7 है तो आप बड़ा वाला ले लीजिए, 7 लिख लीजिए, यानी कि 27 का स्क्वायर आपको रूट अंदर 729 निकला। चलिए अब इसमें देखते, इसमें आपको 2 का जोड़ा लगाना है, लास्ट में 9 है तो आप समझ जाइएगा 3 और 7 होगा, क्यों, क्योंकि 3 के स्क्वायर में लास्ट में 7 आता है, 7 के स्क्वायर में आपको क्या आता है, 9 आता है, 9 आपको लास्ट में 9 देखना है किसके स्क्वायर में आता है, 3 और 7 में, 3 और 7 लिख लीजिए। अब 59 का वही बताए हैं जो इसमें करना है, 59 से पहले कौन संख्या है आपको, 59 से पहले अगर आप स्क्वायर में देखिएगा आपको, तो स्क्वायर में आपको आता है, 59 से पहले आपको आ जाता है 8 का, अगर स्क्वायर देखिएगा तो 64 हो जाता है, लेकिन 64 तो इससे बड़ा हो गया ना, तो अब तो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 क्या आपके हो, छोटा हो गया 59 से, 59 से छोटा हो गया, और किसका स्क्वायर है ये, 7 का स्क्वायर है, तो 7 तो आप आँख मून के लिख दीजिए। चलिए उसके बाद ये बड़ा और छोटा कैसे पहचानिएगा, अब देखिए 7 आपको आया है ना, तो 7 से एक आगे वाला गुना कर दीजिए, 7 से आगे क्या होता है 8, तो 7 × 8 कितना हो गया आपको, 56। अब 56 से बड़ा है कि छोटा है, 56 से 59 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो आप क्या कीजिए इन दोनों में से बड़ा वाला संख्या ले लीजिए। मैं आपको छोटा वाला भी चलिए आपको बताता हूँ, तो आपके बड़ा वाला संख्या ले लिए, यही आपको देखना है इससे पहले कौन है। चलिए इसमें देखते हैं 16, 16 किसके लास्ट में आता है, 16 आपको 2 ही संख्या है 16 में भी जिसके स्क्वायर के लास्ट में आपको 6 आता है, कौन कौन, 4, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 × 16 और 6 का स्क्वायर कीजिए 6 × 36 लास्ट में 6 आया है ना, ये लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 आया है ना, तो कौन कौन संख्या है, 4 और 6 है। अब दोनों कैसे पहचानिएगा, चलिए वही रूल अपनाएंगे जिसमें अपनाए थे, 29 से पहले किसका स्क्वायर, 29 से पहले 5 का स्क्वायर आपको क्या आता है, 25 आता है, 29 से पहले आपको 25 ही है जिसका स्क्वायर, जो किसी का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो आप 5 तो आप लिख दीजिए आँख मून के, आपको बोल दिए आँख मून के लिख देना है, तो 5 आपको हो गया, 5 लिख दिए। चलिए उसके बाद क्या बोले, बड़ा और छोटा पहचानने के लिए क्या कीजिए, 5 लिखे हैं ना, 5 से आगे क्या होता है, 6, तो 5 × 6 = 30 हुआ। अब देखिए आ गया ना, 29 से बड़ा है, मतलब 30 से छोटा है ये 29, ये आपको छोटा आ गया ना, ये संख्या आपको इससे छोटा आ गया, तो आपको छोटा वाला लेना है, 6 और 4 में छोटा कौन है, 4 छोटा है, तो
तो आप आराम से चार लीजिए, मतलब कि इसके अगर 2916 अगर बाहर निकालेंगे रूट से बाहर तो आपको 54 होगा। आप एक बार में आप समझ गए होंगे, आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बहुत ये रूल आसान है, आपको मात्र 5 सेकेंड, अगर आप इसको रिवाइज कीजिएगा ना तो आपको 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको मैं आपको समझा के बताया हूँ, इसीलिए ज़्यादा समय लगा है, लेकिन आपको तो किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद को समझना है। तो आप मात्र 5 सेकेंड में ये आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए अब हम क्यूब रूट में देखते हैं क्या होता है। चलिए अब आपके सामने क्यूब रूट का भी सवाल आ गया है। क्यूब रूट का सवाल देखिए, आपको इसमें क्या करना है, लास्ट में जो संख्या है उसको आपको देखना है। लास्ट में आपको 7 है, देखिए आपको दो ही संख्या चेंज होता है, 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है, मतलब लास्ट में इसका 7 होगा इसके आंसर में 3 होगा, जिसका लास्ट में 3 होगा उसका आंसर में 7 होगा। ये हो गया 2 और 8 में, 2 और 8 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, और ये सभी संख्या आपको सेम होता है, ये 1, 4, 5, 6, 9 ये आपको सेम होता है। चलिए कैसे होगा आपको बताते हैं। तो 3 का जोड़ा हम देख लीजिए, आपको ये 3 है, 3 का जोड़ा लग गया आपको, क्योंकि पावर 3 है आपको, इसलिए 3 का जोड़ा लगाए हैं। तो लास्ट में क्या आपको 7 है, तो क्या हो जाएगा, 3 तो आएगा ही, 7 है तो 3 आएगा। चलिए उसका 2 है, 2 से पहले किसी कोई संख्या को बताया इसका क्यूब होता है, 2 के पहले 1 ही है उसका क्यूब होता है, 2 से पहले 1 का क्यूब आपको क्या होता है, 1 ही होता है। चलिए उसके बाद ये 13 आपको हो गया आंसर, समझ गए, 2 से पहले 1 है, 1 लिख दिए, 7 का 3 आता है तो 3 लिख दिए। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसमें भी 3 का ही जोड़ा लगाना है, 9 है लास्ट में, लास्ट में आपको 9 है, तो लास्ट में 9 का क्या होता है, 9 ही होता है, लास्ट में 9 का आपको 9 ही होता है। तो उसके बाद क्या करिए, लास्ट में 9 9 होता है, 9 लिख दीजिए। उसके बाद 59 से पहले आपको देखिए किसका क्यूब आता है, 59 से पहले 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 और 64, मतलब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो गया, तो ये आपको इससे बड़ा हो गया। आपको इससे पहले देखना है कौन संख्या का क्यूब है, इससे पहले आप देखिए कोई ऐसी संख्या है जिसका, देखिए 3 का 3 3 9 दिया 27, मतलब 59 से पहले आपको 27 ज्यादा संख्या जिसका क्यूब आपको क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, जो किसी का क्यूब है 3 का क्यूब है आपको, तो 3 का क्यूब है ना 27 ज्यादा, तो 3 लिख दीजिए, आपको आंसर हो गया। आपको इससे आगे कुछ नहीं देखना है, लास्ट में 9 है, खड़ा से 9 लिख दीजिए क्योंकि 9 का सेम ही होता है। चलिए 59 में आपको 27 है 27, 3 का क्यूब होता है, 3 लिख दीजिए। उसी तरह इसको भी कीजिए, 592 लास्ट में 2 है, 2 का क्या आएगा आपको 8 आएगा, लास्ट में आपको क्या आएगा 2 का 8 आएगा। चलिए उसमें 110 देखिए, 110 से पहले आपको किसका क्यूब है, 4 का क्यूब आपको 64 होता है, अगर 5 का क्यूब देखिएगा तो 25 5 125, 3 बार गुना करना पड़ता है क्यूब में, तो 125 हुआ, 125 आपको 110 से ज़्यादा हो गया, आपको 125 10 से बड़ा है ना, तो आपको उससे पहले क्या है, ये कौन संख्या क्यूब है, 4 का क्यूब है 64, 110 से पहले क्या 64 ऐसा संख्या जिसका जो किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो आराम से 4 लिख दीजिए, मतलब आपको इसका आंसर 48 हो गया अगर आप इसको बाहर निकलिएगा। देखिए हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए आपको ज़्यादा समय लगा, लेकिन आप तो बनाइएगा खुद से, तो आपको मात्र 5 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा समय, ये मेरा चैलेंज है आपको, आप आराम से बनाइए, आपको सीखिए, आपको 5 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले कोई भी वीडियो मेरा, आप जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आप देख सकते हैं। और मैंने बिहार पॉलिटेक्निक का भी बैच मैंने शुरू किया है, बिहार पॉलिटेक्निक की मैथ की तैयारी मैं आपको करवाता हूँ। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी देखना है तो आप कमेंट कीजिए, अगर कुछ ज़्यादा आदमी कुछ व्यक्ति का 10 से ज़्यादा आदमी का अगर कमेंट आ गया तो मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक की फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी तैयारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी मीडियम में आपको आराम से मैं पढ़ाऊँगा, और वो भी फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, और आपको PDF भी प्रोवाइड करवाऊँगा। चलिए तब धन्यवाद।